हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें। स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन पर। आपके पास अगर एग्जाम से पहले कम समय है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए दोस्तों, एग्जाम की कम समय में तैयारी के लिए सुझाव शुरू करते हैं। आप सभी छात्रों ने ये बात तो सुनी होगी कि जितने भी महान व्यक्ति अभी तक बने हैं उन्होंने टाइम टेबल को जरूर फॉलो किया है। सो आपको भी एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए। अपने टाइम टेबल के समय अनुसार अपना सिलेबस डिवाइड कर लेना चाहिए। ये जरूर करें, जो जो चैप्टर कठिन लगते हैं उन्हें ज़्यादा समय दें और ऐसे चैप्टर को पहले तैयार करें। एग्जाम आने से पहले जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिनकी मदद से हम तैयारी करते समय आसानी से पढ़ पाएं और साथ ही साथ सारे विषयों का अभ्यास कम समय में कर सकें। एग्जाम की तैयारी करते वक्त लगातार न पढ़ें, बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते रहें, जिससे आपका माइंड रिचार्ज रहे, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा पाएंगे। पढ़ाई हमेशा एकांत में करें, ऐसा स्थान चुनें, ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे, यानी मन विचलित करने वाली एक्टिविटियों से हमेशा दूर रहें। आपके पास समय कम है, कोरोना के कारण आपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं की हैं, आपका अभी भी मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ने की आदत होगी, परंतु बच्चों मेरा आपसे कहना है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर एग्ज़ाम की तैयारी करें। हो सके तो पढ़ाई के वक्त मोबाइल को ही बंद कर दें। अगर आप मोबाइल को बंद नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, जिस कारण आपका ध्यान विचलित हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र इकट्ठे करें और उनकी लगातार पढ़ाई करें, रिविज़न करें। उनमें से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों को ज़रूर ही पढ़ें। ऐसा कई बार होता है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू एज इट इज आ जाते हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हो शांति से करें और कंप्लीट करें। जो चैप्टर आपने आज के लिए डिसाइड किया है उसको पूरा करें। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसे रटे नहीं, उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल है तो आप इसके बारे में कोई सवाल कर सकते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूँ। ऐसी और वीडियो के लिए आप कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप इसी तरह के वीडियो से और अच्छा ज्ञान अर्जित करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। आप सभी के लिए गुड लक।